भाग जिसमें जो कि कवित्री कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लद्य जो कि काव्य उसकी जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम छोटी क्लासों में कबीर के दोहे पढ़ते हैं और मीरा के पद पढ़ते हैं, तुलसी की चुपाइयाँ पढ़ती हैं, उसी तरह लस्कान के सवैये भी प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक बहुत प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। मतलब उन्होंने अपने वाक्यों के जरिए बताया कि जाति और धर्म की जो कमजोरियाँ उनसे ऊपर उठकर हमें भक्ति की भावना की ओर चलना चाहिए। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। ये पेज नंबर आपका ना 95 पेज पर है ये जो मैं बोल रही हूँ आपको। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, आडंबरों के बाहरी दिखावा कि हम बाहरी दिखावे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताए। आगे देखो पैरा नंबर 1 कि रस्ते कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर का। इस पैरे में कवित्री ने क्या बताया है, देखो पेज नंबर 96 पर तीसरी लाइन में कि पहले भाग में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि जो कवित्री है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है लेकिन वो उसके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। देखो फर्स्ट लाइन रस्सी कच्चे धागे की, इसमें कवित्री कहती है कि ये जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है कि जो रस्सी होती है कच्चे धागे की बनी होती है वो टूट जाती है। खींच रही मैं नाव और जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को चला रही हूँ। जाने पर सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, कि कवित्री कहती है कि परमात्मा कब ना जाने कब मेरी इस पुकार को मेरी इस आवाज को सुनेंगे। और भव सागर होता है कि संसार रूपी सागर कि जो भगवान है वो मेरी संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार कर देंगे अर्थात ना जाने मेरा बेड़ा कब पार हो। पानी टपके कच्चे स्कोरे, कच्चे स्कोरे यहाँ लिखो धागे की रस्सी कि धागे से बनी रस्सी से कोरे कमी नहीं है आप लोगों के धागे से बनी हुई रस्सी कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी टपके कि पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है तो इसका मीनिंग अर्थात क्या हुआ, पवित्री कह रही कि अर्थात समय बीतता जा रहा है और मेरी मृत्यु नज़दीक आ रही है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो इसमें कवित्री कहती है कि प्रभु से मिलने के सारे प्रयास सारी कोशिशें मेरी बेकार जा रही हैं। जीवे उठती रहर है भूख का मीनिंग यहाँ पर है तड़प या वेदना। तो कवित्री इसमें कहती है कि मेरे मन में बार बार ये वेदना उठ रही है, ये तड़प उठ रही है कि घर जाने की चाह है घेरी कि कब मैं अपने घर जाऊँ। अर्थात कल हमने आपको क्वेश्चन सुनाया था कि घर जाने की चाह का मिली लिया है तो परमात्मा से मिलना अर्थात कवित्री सारे पहले यही कहना चाहती है कि ना जाने मेरा इस परमात्मा से मिलन कब होगा। समझ आ गया ये फर्स्ट पैरा। आगे सेकंड देखो, सेकंड थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन अगर समझोगे तो आ जाएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर खा खाकर कुछ पाएगा नहीं का क्या है, खा खाकर होता है कि संसारिक भोगों को मत भोग। संसारिक भोग कौन से होते हैं कि सारा दिन हम अच्छा अच्छा खाना पीना सारे ऐशो आराम की सारी चीज़ें प्रयोग करना कि हे मनुष्य तू संसारिक भोगों में लीन मत हो। ना खाकर बनेगा अहंकारी कि इन भोगों से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा कि तू जो संसारिक भोगों में लीन हुआ पड़ा है अगर तुम भोगों से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और ना खाकर बनेगा अहंकारी कि अगर तू सोचे कि मैं इन संसारिक भोगों को ना भोगूं इनका त्याग कर दूं तो भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा और तू अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, अगले पेज पर सम का मीनिंग देखो। सम का मीनिंग देखो दिया हुआ है अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों का निग्रह कि तू अपने अंदर के मन और अपनी इंद्रियों पर संयम रख। निग्रह जहाँ दिया हुआ है वहां से संयम वर्ड लिख लो कि सम का मीनिंग है कि अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर तुम संयम रखो तभी होगा संभावी। संभावी का मीनिंग है कि तभी तेरे मन में समानता की भावना आएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अगला देखो ये भी मीनिंग। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का मीनिंग है कि चेतना व्यापक होगी या मन मुक्त होगा या फिर यहाँ पर लिख लो
लो कि इसी लिख लो ये लाइन कि इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे। इसी सम मनोदशा होगी इसी बराबर कि इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और प्रभु से तुम्हारा मिलन होगा। शॉर्ट में लिख लो प्रभु से मिलन होगा। थर्ड पैरा आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इसमें कवित्री कह रही है कि मैं आई तो बिल्कुल सीधे रास्ते से लेकिन मैं सीधी राह बिल्कुल वापस नहीं गई अर्थात कि परमात्मा प्राप्ति के पथ पर मैं ठीक आई थी लेकिन रास्ते में ही मैंने हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी सुषुम सेतु का मीनिंग देखो अगले पेज पर दिया हुआ है कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी जो नासिका के मध्य भाग में कि हमेशा हम अपने नाक की इज्जत के लिए सब कुछ करते रहते हैं वहाँ यहाँ पर यही मिली गएगा कि वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। बीत गया दिन हाँ उसका सारा दिन इसी में व्यर्थ हो गया लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त ना हुआ। जेब टटोली जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला जेब को फरोला तो कोड़ी ना पाई तो उसे अपनी जेब में कुछ भी ना मिला। माझी कोदू क्या उतराई माझी आपने सुना होगा कि जब हम नाव वगैरह में जाते हैं तो माझी नाव को चलाते हैं लेकिन जब हम जब उतरते हैं तो उसको हम उतराई के रूप में कुछ ना कुछ पैसे जरूर देते हैं लेकिन पर यहाँ पर कवित्री किसको कह रही कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया कि मैं किसी अपने परमात्मा को जवाब देने योग्य नहीं रही जब मेरे परमात्मा ने उतराई के रूप में मुझसे कुछ मांगा तो मैं कुछ भी ना दे सका। लास्ट देखो थल थल में बसता है शिव की भेद ना कर गया हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। बिल्कुल सिंपल सा डायलॉग है ये। इसमें देखो कि थल थल में बसता है शिव की इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है कि हर जगह पर चारों ओर शिव शिव यहाँ पर किसको कहा गया भगवान को कि चारों ओर भगवान का ही निवास है भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान वो लोगों को कहना चाहती है कि हिंदू मुसलमानों को आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान कि अगर कुछ तुम्हारे अंदर अपने अंदर ज्ञान है तो तुम अपने आप को पहचान अपने आप को पहचान मतलब अपने आत्म रूप को पहचान अपने अंदर के रूप को पहचान वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब यहाँ पर क्या आएगा भगवान कि तू अपने अंदर के रूप को पहचान कर फिर तू अपने भगवान को पहचान अर्थात आत्मा से ही अगर हमें अपने आत्म रूप का पता है तो ही हमें अपने परमात्मा के रूप को जान सकते।